अब इसमें क्या करना है इस सम में हमें क्या करना है सबसे पहले इसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है फिर वो वैल्यू हम जो आंसर लिखेंगे वो ये वाला रूल फॉलो करती होनी चाहिए तो ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है क्योंकि मैं हमने ऐसे सम बहुत से पहले सॉल्व किए हैं तो यहाँ पे वैल्यू आई एक्स इज लेस इक्वल टू सिक्स अब बिकॉज एक्स इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर पॉजिटिव ऑड इंटीजर वैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि एक्स इज लेस इक्वल टू सिक्स है तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे लेस देन इक्वल टू सिक्स है तो सिक्स भी आएगा फाइव फोर थ्री टू वन अब मैं यहां तक क्यों लिख रही हूं क्यों क्योंकि यहां पे उसने क्या बोला है कि जो x है वो क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर वैसे तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं बट यहां पे इसने मेंशन किया हमने कौन से लेने हैं पॉजिटिव अब ऑड लेने हैं तो इनमें से ऑड कौन कौन से हैं एक है वन एक है थ्री और एक है फाइव तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास वन थ्री और फाइव ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा ठीक है जी अब सेकंड वाला देखिए ये डिनोमिनेटर वाला है दैट मींस के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों है तो आप लोग को एक यहाँ पे क्या करना है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है फोर को इधर किया और थ्री को इधर किया ये फोर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर थ्री दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर बिल्कुल पहले के जैसे ही सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स इज लेस देन इक्वल टू फिफ्टीन अब लेस देन इक्वल टू फिफ्टीन तो इसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं लेस देन इक्वल टू फिफ्टीन में लेस देन इक्वल टू है तो फिर से यहाँ पे फिफ्टीन फोर्टीन थर्टीन ये सारे नंबर आएंगे ठीक है जी बट हमें कौन से चाहिए हमें चाहिए इवन इंटीजर इवन इंटीजर चाहिए तो इनमें से इवन को फाइंड आउट करना होगा पहले ये देख लो ट्वेल्व आएगा फिर उसके बाद इलेवन टेन ठीक है जी बट इनमें से इवन अगर फाइंड आउट करने हैं तो क्या करोगे इवन कौन कौन से होंगे एक तो होगा टू उसके बाद फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन अब फिफ्टीन जो है वो इवन नहीं है तो सिर्फ इसका सोल्यूशन सेट जो है वो इतना आ जाएगा ठीक है जी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल